साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश 1621 ईस्वी के साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के घर माता नानकी जी की कुखों श्री अमृतसर साहब विखे होया। आप जी का प्रकाश स्थान गुरुद्वारा गुरु के महल है। आपका पहला नाम त्यागमल सी। आप दे पहले 9 साल अमृतसर में ही बीतते ने। आपको गुरबाणी ज्ञान के नाल नाल शस्त्र विद्या का अभ्यास घोड़सवारी की सिखलाई भी दी गई। 1634 ईस्वी के करतारपुर विखे 6वें पातशाह जी की 4थी जंग के मौके आप जी ने तेग के ऐसे जौहर दिखाए कि साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने आप जी का नाम तेग बहादुर रख दिता। आप जी का विआह करतारपुर निवासी श्री लाल चंद की सपुत्री बीबी गुजरी जी के 1632 ईस्वी के होया। 1644 ईस्वी में जो श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ज्योति जोत समाते हैं तो आप अपने माता अपनी सपत्नी के नाल अपने नानके पिंड बकाला विखे रहन लग जाते हैं। जो साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी 8वें पातशाह दिल्ली विखे ज्योति जोत समाते हैं तो ज्योति जोत समाने तो पहला आप जी संगत को अगला गुरु बाबा बकाला कह के संकेत देंगे ने कि उन्होंने पिछों गुरियाई की जिम्मेवारी उन्होंने बाबा जी जो बकाला विखे रेंदे ने वो निभाएंगे, क्योंकि रिश्ते साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी 8वें पातशाह जी के दादा लगते सन। बाबा बकाले वाली गल जब दूर दूर फैल गई तो मौके का लाभ उठाने के लिए बकाले सोढ़ी गद्दियां ला के बैठ गए। 1 साल बीत गया। मार्च 1665 ईस्वी में मक्खण शालूबाणा नाँ के श्रद्धालु ने गुरु जी को लभ के कोठे से चढ़ के होका दिता, गुरु लद हो रे गुरु लद हो रे। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के गुरता गद्दी ते सुभायमान हुंदिया ही पखंडी गुरु अपने घरों घरी चले गए। धीरमल ने कुछ मसंदा नूं नाल लैके गुरु जी उपर हमला कर दिता ते सिख संगत वालों बुरी तरह फिटकारिया गया। गुरु जी ने माझे तो कीरतपुर जाने का फैसला किया। सतगुरां ने कहलूर के राजे दीप चंद पासों पिंड माखोवाल की जमीन मुल लैके 1665 ईस्वी में अपनी माता जी के नाम से चक नानकी नगर आबाद किया, जो बाद विच आनंदपुर साहिब के नाँ के नाल प्रसिद्ध होया। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने चक नानकी तो धर्म प्रचार के लिए लंबी यात्रा की। इस यात्रा का एक कारण था सिख संगत के नाल मेलजोल करना सी, दूसरा औरंगजेब दियां गलत नीतियां करके कष्ट चल रहे लोगों नूं जथेबंद करना अते उन्हां दियां दुख तकलीफां का हल करना सी। गुरु साहिब जी कीरतपुर तो मालवे में आए। साबो की तलवंडी तो तमतान नगर होंदे हुए संगत के नाल बचन विलास करते हुए सतगुरु जी कुरुक्षेत्र अते थनेसर भी गए। आप जी यूपी पहुंचे। इत्थे आपने अनेकां लोगों को तंबाकू पीन तो वरजिया ते इस दीआं बुराइयां तो जाणू करवाया। इत्थों मथुरा ते आगरे तो हुंदे हुए त्रिवेणी प्रयाग पहुंचे। इत्थे सतगुरां दी याद विच गुरद्वारा साहिबान सुशोभित ने। अगे ससराम तो होंदे हुए आप गया पहुंचे। इतों धर्म का उपदेश करते सतगुरु पटना साहब आए। सतगुरां ने कुछ समा पटना विखे निवास किया। सत संगत हुंदा रहा ते फिर परिवार नूं इत्थे छड्ड के आप असाम ते बंगाल जाण की तैयारी कर ली। सतगुरु अजे ढाके विच सन जद 1666 ईस्वी नूं साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश की खबर आप तक पहुंची। सतगुरां ने पटने की संगत नूं परिवार का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद करदिआं एक हुक्मनामा भेजा। फिर ढाके तो गुरु जी असाम प्रांत वाल चले गए। इत्थे सतगुरां ने 2 साल के करीब सिखी प्रचार किया। गुरु जी ने पंजाब नूं परतन की तैयारी की। सतगुरु पहला पटना साहब पहुंचे ते परिवार नूं मिले। उत्थे सतगुरां ने पहली बार अपने सपुत्र गोबिंद राय नूं देखिया। पटना साहिब विखे थोड़ा समा गुजार के गुरु जी बनारस के अयोध्या शहरां विचों दी हुंदे होए 2.5-3 महीनों में चक नानकी पहुंचे। उपरंत जल्दी ही गुरु जी ने सारे परिवार को पटना तो आनंदपुर साहिब मंगा लिया। उधर मुगल बादशाह औरंगजेब हिंदुओं के तरह तरह के अत्याचार कर रहा है। उन्होंने जजिया लगाया गया सी। औरंगजेब ने गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाने की मुहिम आरंभी हुई सी, जिसकी शुरुआत उसने सब तो पहला कश्मीर तो ही करनी चाहिए, क्योंकि इत्थे बहुत विद्वान रहिंदे सन। इफ्तखार कश्मीर का गवर्नर सी। उसने शाही नीति अनुसार कश्मीर के ब्राह्मणों के उपर बहुत अत्याचार किए और उन्होंने जबरी मुसलमान बनाने का हर तरह का यत्न किया। पंडित कृपा राम की अगवाई के हेठ कश्मीरी ब्राह्मणों का एक वफद साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शरण पहुंचया। 1675 ईस्वी में उन्होंने मुलाकात श्री गुरु तेग बहादुर जी नाल हुई। सतगुरु ने कश्मीरी पंडितों के दुख को बहुत हमदर्दी नाल सुनिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उन्होंने कहा कि तुम बादशाह को यह लिख के भेज दो कि श्री गुरु तेग बहादुर साढ़े धार्मिक रहबर हैं, जे वो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो असी सारे अपने आप इस्लाम कबूल कर लवेंगे। कश्मीरी पंडितों को आनंदपुर साहिब तो विदा करके सतगुरां ने लोगों के जागृति पैदा करने जुलम के टाकरे उन्होंने तैयार करने वास्ते प्रोग्राम उलीके जगह जगह प्रचार किया। सतगुरु कीरतपुर पटियाला समाणा जींद रोहतक तो होंदे हुए
ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਗਰਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ 1675 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਯੋਧਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰੀ 200 ਮੀਲ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੜ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਲੀ ਭਟਕੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹਿੱਤ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।